हाँ, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मिक्स एरोमेटिक हेटरोसाइकल्स, पाई डेफिशिएंट एंड पाई एक्सेसिव। पाई डेफिशिएंट का मतलब है ऐसे कोई हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, जिनका नेचर कैसा दिखे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर दिखे। और पाई एक्सेसिव का मतलब है ऐसे हेटरो एटम जिनका कैसा नेचर शो हो, इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप का नेचर शो हो। ठीक है जी, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक ही रिंग के अंदर होंगे, एक का तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर होगा, एक का इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप का नेचर होगा। तो एक तो पाई डेफिशिएंट कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा, पाई एक्सेसिव कहलाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइव मेंबर एरोमेटिक हेटरोसाइक्लिक कंटेनिंग बोथ टाइप ऑफ हेटरो एटम्स। कौन से हेटरो एटम्स? हेटरो एटम्स विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट एज इन सिक्स मेंबर हेटरोसाइकल्स, एंड हेट्रो एटम विद इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट एज इनके अब फाइव मेंबर हेट्रोसाइकल्स। ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास हेट्रो एटम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है सिक्स मेंबर हेट्रोसाइकल्स का, और एक हेट्रो एटम है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट है फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक का, आर कंसिडर्ड टू बी मिक्स सिस्टम विद क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पाई डेफिशियंट एंड पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स, इनकी बात करेंगे। ठीक है जी, द केमिस्ट्री ऑफ दीज हेट्रोसाइकल शोज द सिमिलरिटीज विद सिक्स मेंबर एज वेल एज फाइव मेंबर एरोमेटिक हेट्रोसाइकल विद वन हेट्रो एटम। ये कह रहा है कि ये है ना, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाला शो करेगा वो एक्सेसिव पाई डेफिशिएंट का शो करेगा, वो सिक्स मेंबर रिंग की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लीजिंग वाला हेट्रो एटम है वो फाइव मेंबर रिंग वाली प्रॉपर्टीज को शो करेगा। देखो जी, हमने जब भी पढ़ा है सिक्स मेंबर रिंग में जब भी हेट्रो एटम लगाते हैं, तो हेट्रो एटम जैसे मैं सिक्स मेंबर रिंग ड्रॉ करूँ, आप लोगों के पास पायरेडिन करता हूँ, जैसे मेरे पास पायरेडिन है तो नाइट्रोजन होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, तो नाइट्रोजन साथ डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो इस नाइट्रोजन का नेचर कैसा होगा? देखिए, नाइट्रोजन साथ डबल बॉन्ड है तो इस नाइट्रोजन का नेचर होगा पायरेडिन टाइप, क्योंकि नाइट्रोजन साथ कैसा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो अब ये लोन पेयर तो नहीं दे सकता ना, तो ये खींच तो सकता है ना इलेक्ट्रॉन को, तो इसका नेचर कैसा शो होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नेचर का शो होगा। लिख रखा है पायरेडिन टाइप नाइट्रोजन विद क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। समझ में आया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्यों? क्योंकि मुझे पता है पाई नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्या है, कार्बन है। अब ये लोन पेयर तो दे नहीं सकता, तो कार्बन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, नाइट्रोजन की, तो इलेक्ट्रॉन खींच तो सकता है ना। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कैसा नेचर शो होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो होगा। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ इसकी, देखो ये फाइव मेंबर में है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इजिली दे सकता है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसका नेचर कैसा होगा, पायरोलिंग जैसा। तो लिख रखता है पायरोल टाइप नाइट्रोजन विद का इलेक्ट्रॉन रेजिंग इफेक्ट। आया समझ में? तो ये रिंग, ये पूरी रिंग किसमें क्या क्या शो कर रही है, मिक्स एरोमेटिक हाइड्रोसाइकल्स दिखा रही है, जिसमें पाई डेफिशियंट भी है और पाई एक्सेसिव भी है। पाई डेफिशियंट कौन सा शो करेगा, ये पाई एक्सेसिव कौन सा शो करेगा जी। आया समझ में? ये थे हमारे पास मिक्स एरोमेटिक हाइड्रोसाइकल्स, पाई डेफिशियंट एंड पाई एक्सेसिव। देखो जी, आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक में बात करते हैं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल टाइप्स में करते हैं, तो उसमें एक तो सिक्स मेंबर एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स है, एक फाइव मेंबर एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स ही, आप लोगों को याद ही रखने पड़ेंगे कि फाइव मेंबर कौन से होते हैं, सिक्स मेंबर एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स कौन से होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बता इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, तो आप लोगों को पता है एरोमेटिक वो होते हैं जिनके अंदर फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज होते हैं, जिसके अंदर, या दैट इज जिसके अंदर दो टू पाई इलेक्ट्रॉन हो, फोर पाई इलेक्ट्रॉन हो, टेन पाई इलेक्ट्रॉन हो, नहीं टू पाई इलेक्ट्रॉन हो, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो, टेन पाई इलेक्ट्रॉन हो, फोर्टीन पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो सारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और डी लोकलाइज होने चाहिए। तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, टू फोर सिक्स, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक, इसके पास भी सिक्स, इसके पास भी सिक्स, सिक्स सभी के पास क्या है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे क्या है, एरोमेटिक हैं। ये पायरेडीन है, पायरेमिडाइन है, पायराडाइन है, पायराजीन है, वन वन थ्री फाइव ट्रायाजाइन है, नेमिंग की थी, फोस्फाजीन है, अर्स्ट्राजीन है, पायरिलियम कैटायन है, पायरिलियम कैटायन है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। अब बात करते हैं फाइव मेंबर रिंग की, ये हमारे पास क्या है, पायरोल है, ये हमारे पास पायरोल है, ये थायोफीन है, ये फ्यूरेन है, ये सब आप लोगों को याद रखने हैं, ये इमिडाजोल है और ये पायराजोल है। ये आप लोगों को फाइव मेंबर और सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक याद रखने हैं। और पूछ लेते हैं कौन से एरोमेटिक है इन इनमें से, तो आप लोगों को देख के उनमें से बता देना। इसके पास भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, टू टू और
दो ये रहे, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेजोनेंस में जाने के बाद ये लोन पेयर किसमें कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में, तो इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। ये भी किसमें, रेजोनेंस में जाने में किसमें कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को किसमें काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में, डीलोकलाइज है, ठीक है जी। इनके पास कितने हैं, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देख इसका तो लोन पेयर काउंट होगा और इसका लोन पेयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसके नाइट्रोजन साथ बॉन्ड है। कार्बन हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, कोई हेट्रो एटम एक्स है और उसके पास लोन पेयर है, तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, और अगर मेरे पास ऐसा कुछ है और उसके पास लोन पेयर है, तो उसका लोन पेयर किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। तो आप लोगों को पता करना हो कि कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, तो हमें से ये ध्यान रखना, जिसके पास कार्बन डबल बॉन्ड हेट्रो एटम हो तो वो तो लोन पेयर जाएगा नहीं रेजोनेंस में, और दूसरा जाएगा। जैसे कि इन दोनों में से बात करूँ तो कौन सा जाएगा, ये तो जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, नाइट्रोजन ही है, कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या है, नाइट्रोजन। तो सिंगल बॉन्ड वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, तो वो पाई बॉन्ड में काउंट हो गए, तो उसके दो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, ठीक है जी, और दूसरे के इसके नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ठीक है जी, ये याद रखना आप लोग। अब बात करते हैं, ये भी ऑक्साजोल है, आप लोग पूछना चाहो कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे, हाँ जाएंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड हेट्रो एटम है, ये जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, इन दोनों में से ये जाएंगे, हाँ जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, इन दोनों में से ये जाएंगे, हाँ जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, तो ये याद रख सकते हो आप लोग, सिंपल से हैं, ठीक है जी। ये ऑक्साजोल है, थायजोल है, आइसोथायजोल है, ये याद रख सकते हो। बेंजोफ्यूज, बेंजोफ्यूज एरोमेटिक हेट्रोसाइकल सिक्स मेंबर में, जो बेंजीनिंग से फ्यूज हो, फाइव मेंबर में जो बेंजीनिंग से फ्यूज हो उनको बेंजोफ्यूज बोल देंगे। क्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन है, सिनोलिन है, थैलाजाइन है, ये याद रखने हैं आप लोगों को इनके नाम। जैसे इंडोल है, बेंजोफुरोन है, बेंजोथायोपिन है, बेंजामिडोल है, आइसो इंडोल है, ये याद रखने हैं नाम इनके, जो हमारे पास देखो बेंजो, बेंजो का मतलब है बेंजिन के साथ फ्यूज हो, हेट्रोसाइकिल या एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल, यहाँ एरोमेटिक है, 2 2 2 4 6 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, सारे एरोमेटिक है, और बेंजीन रिंग भी एरोमेटिक होती है अपने आप में। तो ये है हमारे पास बेंजो फ्यूज एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स, सिक्स मेंबर और क्या, फाइव मेंबर रिंग के हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, तो आप लोगों को ये अच्छे से करना है। क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी इन हेट्रोसाइकल्स, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो दो क्राइटेरिया होते हैं, क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तो हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, क्वालिटेटिव का मतलब उसके अंदर एरोमेटिक करेक्टर है कि नहीं है, क्वालिटेटिव का मतलब तो ये होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कितने एरोमेटिक करेक्टर उसके अंदर है। तो जो क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी यानी हेट्रोसाइकल्स हैं, वो हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्या, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है कितने हैं और क्वालिटेटिव का मतलब है कि नहीं है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बोन लेंथ का भी बनता है, एरोमेटिक करेक्टर का भी, एनर्जी का भी, तो आगे वन बाई वन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया कौन सा होगा अपना, बोन लेंथ का होगा, ठीक है जी। देखो लिख रखा है इसमें, एरोमेटिसिटी कैन बी डिफाइंड एज क्वालिटेटिवली एज ए साइक्लिक प्लैनर सिस्टम एसोसिएटेड विद क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एन क्या, एरोमेटिक। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, डीलोकलाइज होने चाहिए, डीलोकलाइज का मतलब क्या, घूमने चाहिए वो, है ना। तो ये कह रखा है क्वालिटेटिवली, तो किससे चेक करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से, और वो अगर उनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज है, तो वो क्या है, एरोमेटिक है। द डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी डिपेंड अपॉन द क्या, डिपेंड्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑन द हेट्रोएटम। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी है, वो डिपेंड करेगी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर, सही बात है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन हेट्रोएटम इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे कि अगर मैं पूछूं कि हमारे पास एरोमेटिक है कि नहीं है, जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों से, जैसे मेरे पास ये साइक्लिक रिंग है, है ना, अगर ये लोन पेयर पार्टिसिपेट ना करे रेजोनेंस में, ये पार्टिसिपेट ना करे, पाई इलेक्ट्रॉन कितने मतलब 4, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक नहीं होते, लेकिन अगर ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर दे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, एरोमेटिक है। तो ये कह रहा है कि जो मेरे पास एरोमेटिसिटी है किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, वो डिपेंड करेगी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ हेट्रो एटम, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है जी, ये लिख रखा है। आगे देखो, द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इज ऑल दो डिफिकल्ट, ये कह रहा है वो क्या है, डिफिकल्ट है, हाउएवर इट इज बेस्ड ऑन द डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। किस पे बेस होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड ऑन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, और जो उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं रिलेटिंग टू द एरोमेटिसिटी, पार्टिकुलरली क्या, मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होती है,
उनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लेनर है नॉन प्लेनर है, और एनहेंस स्टेबिलिटी और उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कौन से क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन किस पर डिपेंड करता है? फॉरन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसमें पढ़ेंगे हम क्या, बोन लेंथ। किस में पढ़ेंगे? बोन लेंथ। आप लोगों को पता है कि जो बोन ऑर्डर है और बोन लेंथ है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जहां जहां बोन ऑर्डर बढ़ेगा वहां वहां बोन लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। देखो बात करते हैं बोन लेंथ की, लिख रखा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एन एरोमेटिक सिस्टम कोज कार्बन कार्बन बॉन्ड। किसको कोज करता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड को, टू हैव ए टिपिकल बोन लेंथ इन बिटवीन दैट ऑफ क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सी एस पी टू सी एस पी टू, ये कैसे लिखा सी एस पी टू सी एस पी टू? देखना जी, अगर मैं बेंजीन रिंग बनाता हूँ, समझना जी, बेंजीन रिंग बन गई, ये बेंजीन रिंग बन गई, तो जी ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या एस पी टू और इसकी भी क्या एस पी टू। तो देखो जी, कार्बन एस पी टू सिंगल बॉन्ड, कार्बन एस पी टू, ये सिंगल बॉन्ड है ना, इनकी बात कर रहा है ये सिंगल बॉन्ड की। देख कार्बन एस पी टू सिंगल बॉन्ड, कार्बन एस पी टू, तो ये तो लिखा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सी एस पी टू सी एस पी टू एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कौन था? ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये भी सी एस पी टू और ये भी क्या सी एस पी टू। कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड लेंथ क्राइटेरिया में? एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ वाला और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ वाला। ठीक है जी, ये डबल बॉन्ड वाला। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन कोज दैट द बॉन्ड लेंथ इक्वल टू द क्या, ये कह रहा है जब डीलोकलाइजेशन होता है पूरी बेंजीन रिंग में तो हम उसको कैसे लिखते हैं डीलोकलाइजेशन को शो करने के लिए? हम ऐसे दिखाते हैं ना कि भाई इस पूरी रिंग के अंदर क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। इस आप लोगों ने देखा होगा पाई ऐसे भी लिखते हैं बेंजीन रिंग को, और बेंजीन रिंग को कैसे लिखते हैं, बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये कैसे आया, ये जब आया जब हमारे पास यहाँ डीलोकलाइजेशन हुआ पाई बॉन्ड का, ये पाई बॉन्ड यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ है, तभी तो ये ऐसा बना। तो ये कहते हैं कि बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है, डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का, और जब डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का तो उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, सारे बॉन्ड की छह बॉन्ड है ना इनमें कार्बन कार्बन, सभी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। आगे देखो, इट कैन बी जनरलाइज दैट कंपाउंड विद नॉन अल्टरनेटिंग बॉन्ड लेंथ। नॉन अल्टरनेटिंग बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि जिसकी बॉन्ड लेंथ चेंज ना हो, जैसे बेंजीन रिंग है ना, आर कंसिडर टू बी, ये कह रहा है नॉन अल्टरनेटिंग बॉन्ड लेंथ आर कंसिडर टू बी क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आएगा जी, लिख रखा है इट कैन बी जनरलाइज दैट द कंपाउंड विद नॉन अल्टरनेटिंग बॉन्ड लेंथ, जिनकी बॉन्ड लेंथ क्या ना हो, चेंज ना हो, उनको तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक, जैसे बेंजीन रिंग रही। ठीक है जी, एंड वेर एज द कंपाउंड विद बॉन्ड अल्ट्रेशन आर नॉन एरोमेटिक, जिनके अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज हो उनको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है जी, तो बेंजीनिंग में बॉन्ड लेंथ चेंज होती है ना, सब में कितनी होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। क्यों होती है? डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन की, हर जगह पाई बॉन्ड का क्या डीलोकलाइजेशन, तो हर जगह बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हर जगह बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है जी, तो हमेशा ध्यान रखना जहाँ बॉन्ड बॉन्ड का अल्ट्रेशन ना हो वहाँ तो एरोमेटिक, और जहाँ बॉन्ड का अल्ट्रेशन, बॉन्ड अल्ट्रेशन का मतलब है बॉन्ड लेंथ का चेंज होना, वहाँ क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। क्या लिख रखा है, इन हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम कार्बन हेट्रो एटम बॉन्ड इज जनरली शॉर्टर देन दैट इन केस इट इज क्या, सैचुरेटेड एनालॉग्स। ये कह रहा है कि जो सैचुरेटेड एनालॉग्स होते हैं उससे ज़्यादा क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेशन का मतलब क्या, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या कार्बन हेट्रो एटम डबल बॉन्ड, और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। तो सैचुरेटेड में ज़्यादा होगी, अनसैचुरेटेड में क्या होगी, कम होगी, इसलिए लिख रखा है। आगे देखो जी, ये कुछ सिंगल बॉन्ड की डबल लेंथ लिख रखे हैं, कुछ डबल बॉन्ड की क्या बॉन्ड लेंथ लिख रखी है, इसी में लिख दिखा रखा है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है 1.48 एंगस्ट्रॉम, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। ठीक है जी, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, देखो जी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या, कम। आप ऐसे याद रख लो इसको, जब कार्बन से नाइट्रोजन जाता हूँ, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाता हूँ, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। जब बॉन्ड बनेगा तो एटम का साइज छोटा, तो बॉन्ड क्या छोटा बनेगा, और क्या देखना जी, तो देख कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन लिख लूँ, तो कार्बन कार्बन ज़्यादा, फिर कार्बन नाइट्रोजन कम, और कार्बन ऑक्सीजन और कम। देखो जो कार्बन ऑक्सीजन क्या और कम, लेकिन डाउन द ग्रुप पर चलता हूँ साइज क्या होता है, बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो सल्फर का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो कार्बन सल्फर बॉन्ड क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देख सबसे ज़्यादा है,
ऐसे याद रख लो इसको। और सीधी सी बात है, अब कार्बन सिंगल बॉन्ड सल्फर है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर ज्यादा कहाँ होगी, हाँ कम कहाँ होगी, हाँ ऐसे इनमें चेक करने हैं। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इतनी है 1.45 है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कितनी है 1.27 है। कम क्यों हुई, क्योंकि मुझे पता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। आप लोगों को पता है कार्बन से नाइट्रोजन चलता है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन चलता है, एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज घटेगा तो मुझे पता है साइज होगा, एटम का साइज छोटा तो बॉन्ड भी तो छोटा बनेगा ना, और बॉन्ड छोटा बनेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसे याद रख लो। ठीक है जी, तो कल हम बॉन्ड लेंथ डिस्कस करेंगे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में और 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्राइटेरिया है, स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, तो कल 5 मेंबर और 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।